शिवनी जिले के छपारा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम महुआ टोला कोड़िया पायली मासूर भावरी के 80 किसान बिजली नहीं मिलने की परेशानी को लेकर विद्युत ऑफिस का घेराव किया। छपारा से आरिफ मोहम्मद की रिपोर्ट। ये बोल रहे हैं 10 से 13 दिन हो गए। आप 13 दिन से ही जा रही है? 13 दिन से क्या, अभी आज भी अभी भी हुई है, अभी भी लाइन आई थी फिर चली गई, है ना। तो उसके लिए आप श्रवणकार ये बता सकते हैं आपके हिसाब। मैं मोहम्मद जावेद रजा, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन का संभागीय सचिव एवं भारतीय जनता पार्टी का भीमगढ़ क्षेत्र का नेता हूँ। मेरे साथ में ग्राम पंचायत पायली कोड़िया के सरपंच महोदय धनलाल कुसरे जी एवं क्षेत्र के जनपद सदस्य सुरेश विके जी उपस्थित हैं। अभी अभी हम थोड़ी देर पहले सब स्टेशन भीमगढ़ कॉलोनी गए हुए थे, जहां पर ऑपरेटर द्वारा हमें बताया गया कि मेरी अधिकारी से बात हुई है। अधिकारी ने उन्हें कहा है कि लाइनमैन को और बाकी लोगों को मैंने महुआ टोला पहुंचाया है लाइट ठीक करवाने के लिए, परंतु महुआ टोला में लाइट की स्थिति ऐसी है कि ट्रांसफार्मरों पर बहुत अधिक मात्रा में लोड है, ट्रांसफार्मरों से पर्याप्त मात्रा में लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है, लाइनें पुरानी हो चुकी है, बार बार लोड पड़ने पर गलकर गिर रही है। हम लगातार 15 दिनों से आवेदन निवेदन प्रतिवेदन लगातार भीमगढ़ से लोग जाकर के महुआ टोला से जाकर के सरेखा टोला पायली कोड़िया मसूर भावरी और बाकी जगहों से लोग जाकर के छपारा विद्युत मंडल में अधिकारियों को निवेदन प्रतिवेदन करते आ रहे हैं, परंतु आज दिनांक तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पेयजल की व्यवस्था भी दोनों तीनों गांवों में ठप पड़ी हुई है। अधिकारी नए आए हैं, उन समय पर फोन लगाओ तो फोन नहीं उठाते हैं, आवेदन देने के बाद कार्रवाई की बात करते हैं परंतु जगह पर नहीं आते। अभी हम लोग 40 से 50 किसान यहां भीमगढ़ चौकी परिसर में खड़े हुए हैं। अधिकारी महोदय एई साहब पल्लव स्वर्णकार जी द्वारा हमें बोला गया कि आप वहां रुकिए, मैं आपके पास आ रहा हूं, परंतु लगभग 2 घंटा बीत चुका है और 2 दर्जन से ज्यादा किसान यहां डटे हुए हैं, परंतु साहब के पास इतना समय नहीं है कि यहां पर आकर के किसानों की पीड़ा सुन लें। और यदि शीघ्रातिशीघ्र इस क्षेत्र में बिजली की समस्या को दूर नहीं किया गया तो किसान एवं हम सारे जनप्रतिनिधिगण उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद। आपका नाम? सुरेश विके। क्या बोलना चाहते हो? हमारे क्षेत्र में जो 10 घंटा के बिजली दे रहे हैं जी, कम से कम 10 घंटा पूरे होने में 10 बार ट्रिप मारती है, सिंचाई हो नहीं पा रही है, बड़े मुश्किल से 1-2 घंटा 3 घंटा बिजली मिल पा रही है। किसान बहुत परेशान हैं, कुछ किसानों ने सूखे में बोनी कर रहे हैं, जिनकी चींटी बीन खा रही है, पूरे अंकुर खराब हो रहे हैं, बहुत स्थिति खराब है। कम से कम हमको रेगुलर यदि बिजली 10 घंटा मिले तो कुछ किसानों की समस्या हल हो, बहुत समस्या है। यहाँ के लाइनमैन क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे लाइन लाइन में। लाइन में आते हैं या नहीं आते? कोई ध्यान नहीं दे रहे क्यों? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।